और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य रहता है कि आपको वाराणसी में जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो परिवर्तन होता है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग है वेटिंग एरिया में और यहीं पर दोस्तों मिलता है अनारक्षित टिकट। कितने लोग परेशान होते हैं कि वाराणसी ग्रैंड जंक्शन जाते हैं पूछते टिकट कहाँ मिलता है, तो इस वाली एरिया मिलता है। ये जगह कहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, पहले देख लीजिए यहाँ पर अनारक्षित टिकट घर वाराणसी स्टेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों वाराणसी ग्रैंड जंक्शन के उत्तरी तरफ ये देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक नई बिल्डिंग बनाई गई है और इसी साइड ये है अनारक्षित टिकट घर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अनरिजर्व टिकट काउंटर। कई लोग होते हैं जो अनारक्षित टिकट काउंटर के लिए परेशान होते हैं कि टिकट कहाँ मिलेगा, तो इसी जगह पर है। और इसी बिल्डिंग से दोस्तों वरना पार जाने के लिए यानी कैंटोनमेंट को जोड़ने के लिए नया FOB बना है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, आप पूरी जानकारी देता हूँ, वीडियो में बने रहेगा। और ये टंकी जो देख रहे हैं, ये टंकी को तोड़ दिया जाएगा क्योंकि वाराणसी में रोपे बनने वाला है जिसका पहला स्टेशन वाराणसी कैंट जंक्शन बनेगा, जिसके लिए टंकी तोड़कर इस वाली बिल्डिंग ठीक पीछे बनाया जाएगा। यहाँ पर रेल कोच रेस्टोरेंट बन रहा है। और दोस्तों वाराणसी रेलवे स्टेशन का जो विस्तार किया गया है उसमें भूतल पर क्या क्या बता दूँ आपको, स्वागत का शिशु देखभाल, 44 सीढ़ियाँ, लिफ्ट, प्रतीक्षालय दाहिने और प्रसाधन, और फर्स्ट फ्लोर पर है जलपान, प्रतीक्षालय, लिफ्ट, प्रसाधन, रेलवे सुरक्षा बल यानी RFF ऑफिस इसी पर है नए वाले बिल्डिंग में, और ऑफिस और भी जो होंगी वो है। दोस्तों इसके लिए एक्सीलरेटर मशीन लगाई जा रही है एक जाने के लिए गाने के लिए। बाकी देखिए यहाँ पर सीढ़ियों से आवागमन शुरू कर दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर आप, और ये वाला देख रहे हैं नई बिल्डिंग है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक मशीन भी लगाई गई है जिससे बैगेज लगेज चेक किया जाएगा, मशीन देखें यहाँ पर, और यहाँ से देखिए आवागमन चालू कर दिया गया इस FOB से। और दोस्तों कल दोपहर 3 बजे से स्टार्ट हुआ है ये FOB, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली, देख सकते हैं आप, अच्छे खासी आबादी इस रोड से जा मतलब FOB जा रही है। यहाँ देखिए आप, ये वाले फर्स्ट फ्लोर है नए भवन की, यहाँ पे एक्सीलेटर लगाने का काम भी चल रहा है देखिए, इसलिए इतना रास्ता बैरिकेड किया गया पूरा। और दोस्तों इस FOB के पूरा होते ही देश का पहला FOB होगा जो सबसे चौड़ा होगा, और इसे 9 महीने में 31.5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 10 मीटर चौड़ा और 144 मीटर लंबा FOB है ये, और यह प्लेटफॉर्म नंबर 9 छावनी क्षेत्र और प्लेटफॉर्म 1 को शहर से जोड़ रहा है। सीढ़ियां दोस्तों इसकी तैयारी कर ली गई है और अभी जो दोस्तों काम बचा है वो है 1140 सीढ़ियां और 11 लिफ्ट यानी 8 लिफ्ट लगाए जाएंगे। और दोस्तों बता दूं आपको कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से लेकर 9 तक सीढ़ियां तैयार कर ली गई है जिससे यात्री आने जाने लगे हैं, और आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाए जा रहे इस FOB पर 1140 सीढ़ियाँ और 8 लिफ्ट लगने हैं जिसके काम चल रहा है। और यही नहीं, इस FOB की छत पर सौर ऊर्जा से बिजली भी तैयार की जा रही है, इसके ऊपर देख सकते हैं पूरा सोलर पैनल पर लगाया गया है इस FOB पर। और रेलवे अधिकारी के मुताबिक दोस्तों देश के चौड़े FOB में शामिल है जिसे रोपवे के स्टेशन से इंटरकनेक्ट किया जाएगा ताकि यात्री ट्रेन से उतरने के बाद सीधा रोपवे से बिना सड़क उतरे काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। जैसे तक काफ़ी चौड़ा है, जितना नॉर्मल बनता है FOB उससे दुगना चौड़ा है यहाँ पर है। देखिए अभी लिफ्ट का काम चल रहा है, यहाँ बंद किया गया है जितने बोर्ड से, देखिए प्लेटफॉर्म में 4-5 पूरी बोर्ड वाले जो काम है वो कम्प्लीट कर लिया गया है। यहाँ पर लाइटें लग चुकी हैं। दोस्तों पहले जो काम हुआ करता टेम्पररी हुआ करता था, लेकिन इस FOB को भविष्य में बढ़ने वाले भीड़ को देखते हुए तैयार किया गया है। और इसकी क्षमता की बात करें तो 1500 लोगों की क्षमता के साथ इसकी क्षमता है, मतलब इतने लोग खड़े हो सकते हैं यहाँ पर, इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस समय स्टेशन पर औसतन 67,000 यात्री सफ़र कर रहे हैं।
देखिए यहाँ सीढ़ी चालू हो गया है। और दोस्तों वाराणसी में इतने हो रहे विकास कार्यों के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी मैं उतर के दिखाता हूँ उस साइड, और जो पुरानी वाली देख रहे हैं दोस्तों ये इस साइड एकदम लास्ट वाली, वो वाली FOB तोड़ दी जाएगी क्योंकि हाइट उसका काफ़ी नीचे है, रेलवे के आवागमन में काफ़ी दिक्कत होता है। और ये वाला देख रहे हैं करीब, ये देखिए आप यहाँ से, ये नया गुड्स लाइन है, गुड्स लाइन क्या, गुड्स बाईपास लाइन है ये, यानी जो भी माल गाड़ियाँ हैं वो बिना प्लेटफॉर्म यूज किए बाहर बाहर निकल जाएंगी। ये देखिए लिफ्ट का काम यहाँ चल रहा है, दो लिफ्ट लगेंगे और इस साइड दो साइड मतलब एक्सेलेटर लगे हैं, एक इस साइड है एक इस साइड है, बाकी बीच में सीढ़ी आने जाने के लिए एग्जिट यहाँ से देखिए अभी लग रहा है ये यहाँ पर, और इस साइड से लग रहा है। हम लोग देखिए एकदम कंटोनमेंट क्षेत्र में आ गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों। देखिए एक लोग कमेंट बोल रहे हैं कि भैया पुल बहुत तेज़ी से बनाया गया है, सही बात है 9 महीने में बनाया गया ये, और 31 करोड़ की लागत से। जो भी यहाँ यात्री आते हैं उनको लग रहा था कि आर भी बन रहा है, जब बन गया तो पता चला कि ये फुट ओवर ब्रिज है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, इतना तो नॉर्मल आर भी होता है जितना ये चौड़ा FOB बनाया गया है। बाकी यहाँ देख सकते हैं इस साइड कितना काम हुआ है, और दूसरा इस साइड भी देख लीजिए आप कितना काम हुआ है। और ये वाला ज़मीन देख रहे हैं, ये एयरफोर्स की 25,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है बाएं तरफ, और इस साइड भी उस साइड भी ज़मीन कई सारे है। तो यहाँ पर स्टेशन का विस्तार किया जाएगा, यहाँ देखिए रैम बनाया गया है यानी दिव्यांग अनुकूल, वो भी आसानी से आ जा सकते हैं क्योंकि आगे लिफ्ट है जिसको आगे स्टैंड किया जाएगा। और जो गुड्स लाइन कह रहा था दोस्तों, चलिए आगे चल के दिखाता हूँ, ये देखिए इसके लिए रेलिंग लगाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये वाला है पटरी गुड्स बाईपास लाइन जो कि व्यास नगर से बाईपास होते हुए निकल जाएगा डायरेक्ट शिवपुर के लिए। अब उस FOB की बात करते हैं इस वाले का जो टूटेगा जाएगा, ये देखिए यहाँ से आप कितना चौड़ा बनाया गया है। दोस्तों कितने लोग पूछते हैं कि ये सामने क्या बना है ऊपर, तो बता दो दोस्तों TT के लिए रहने के लिए व्यवस्था बनाया जा रहा है यहाँ पर, देख रहे ऊपर वाला पूरा एरिया, और इसे ऐसा बनाया जा रहा है कि जो नई बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग में समानता देखने को मिले ऐसा बनाया जा रहा है। फिलहाल स्टेशन पर पेंटिंग का काम चल रहा है,